नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम जोरों शोरों से शुरू हो चुका है और आपको मालूम है कि अलग अलग जिलों से कई तरह की खबरें भी अब सामने आ रही हैं, कई तरह की गड़बड़ियां भी अब पकड़ा रही हैं। और इसी बीच बड़ी खबर भोजपुर से, सुपौल से, कैमूर से भी सामने आई है। और आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब बजाबता रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दिया है। क्या कुछ कहा गया है उस रिपोर्ट कार्ड में, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आज इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको भी शुक्रिया जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अलग अलग जिलों से कई चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। सुपौल में क्या कुछ हुआ, कैमूर में क्या कुछ हुआ और भोजपुर से कौन सी सनसनीखेज वाली खबर सामने आई? देखिए, सबसे पहले सुपौल की हम बात करें। सुपौल में जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, जो वह लोग जो रैयत हैं, जो लैंड ऑनर है, जो जमीन के मालिक हैं, उनको परेशानी बहुत कर रहे हैं। अच्छा, अगर किसी काम रैयतों को परेशान, रैयतों को परेशान कर रहे हैं और अवैध, एक तरह से कहा जाए तो अवैध वसूली की बात की कही जा रही है। ये बात आई है और इसके लिए कह रहे हैं कि रैयत लोग की धांधली की जा रही है कर्मचारियों द्वारा। हम लोग सही पेपर भी दे रहे हैं तो उसका सही तरीके से उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है जी। और अगर हम कुछ देंगे तभी हो पा रहा है, तो इसके चलते बड़ी नाराजगी है वहाँ पर सुपौल में। ठीक है। और इसी को लेकर के वहाँ पर लोग आक्रोशित भी हैं। और ये मामला है आपको पिपरा प्रखंड के कटैया का। अच्छा। पिपरा सुपौल में पिपरा प्रखंड है, वहाँ के कटैया का मामला है। जितने माने जो लोग लैंड ऑनर हैं, जो रैयत हैं, जो लोग कह रहे हैं, वह लोग पिपरा प्रखंड और कटैया की बात कर रहे हैं कि देखिए हम लोग के साथ में किस तरीके से नाजायज वत्सलूकी की जा रही है। यहाँ पर वत्सलूकी की जा रही है, नाजायज उगाही की जा रही है, बड़ी बात कह दी है निश्चित रूप से। अब जबकि देखिए, बजाबते दिलीप जायसवाल का डायरेक्शन है, जो राजस्व भूमि सुधार विभाग है, किसी को कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल नंबर जारी किया, सब कुछ जारी किया, बावजूद इसके इस तरीके से हो रहा है, तो सोच लीजिए कि ये ऐसे राजस्व कर्मी जो लोग हैं वो कितने डेयरिंग हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो कि सरकार को ही खुद चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ी और रैयतों को तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद खबर ये भी आ रही है रवि जी कि वहां के लोगों ने बजाबता एक मीटिंग की है और अब तो बात कर दी है, चेतावनी दे दी है आंदोलन की। बिल्कुल, अब वो लोग यही कह रहे हैं कि अगर नहीं सुधरे, अगर यदि इन लोगों ने नहीं ठीक से काम किया तो हम लोग फिर आंदोलन, धरना और फिर आंदोलन। अच्छा, ये यानी कि अगर प्रशासन ने सुनवाई नहीं की, बात नहीं मानी, तो फिर हम धरना देंगे और बड़ा। बिल्कुल, वो धरना और आंदोलन की चेतावनी भी इन लोगों ने दे रखी है। तो अब किसी दिन किसी मूवमेंट यह सब होता हुआ दिखाई पड़ेगा अगर प्रशासन नहीं सुनता है, कोई कड़ा स्टेप नहीं उठाता है। बिल्कुल, देखिए अब दस्तावेज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बावजूद इसके उन लोगों के साथ को लटकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है जानबूझकर। तो ये तो अब तो उनका धरना होगा, प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा। तो उस प्रखंड में जो हम लोग बात कर रहे हैं, उस प्रखंड में फिर तो काम जो चल भी रहा था वह भी नहीं होगा। तो यह किसी एक दो कर्मचारियों के इस तरीके से गलत व्यवहार के कारण, बदसलूकी के कारण यह जो है सो समस्या होगी वहां पर। देखिए, ये तो बात हुई सुपौल की, लेकिन आप बता रहे थे कि कैमूर में भी कुछ हुआ। हाँ, देखिए कैमूर में जो वहां पर राजस्व कर्मचारी की पिटाई कर दी, अब कुछ लोग इंसिस्ट कर रहे थे कुछ करने कराने के लिए, तो वो नहीं कर रहे थे, उस पर जो है सो पिटाई कर दी। जिसके बाद वहां पर भी अब वहां बवाल हो गया। अब वहां पर देखिए जो काम चल रहा था वह काम भी अब लगता है कि अब ठप हो जाएगा, क्योंकि राजस्व कर्मचारी वहां पर धरना देने की बात कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं, धरना देने की बात कर रहे हैं। ये बात हुई कैमूर की। भोजपुर से भी कई तरह की खबरें सामने आ रही है, भोजपुर से क्या कुछ खबर आ रही है? देखिए, भोजपुर में बड़हरा प्रखंड है, ब्लॉक है, तो वहां पर एक रैयत जो थे वह हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था तो वो चले गए थे पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान चले गए थे, जमीन यही रह गई थी। अब उस जमीन पर जो
अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। अच्छा, अवैध रूप से कब्जा कर लिया। यह बात जब देखिए, यह दिलीप जायसवाल को थैंक्स टू दिलीप जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कि देखिए इतना बड़ा काम हो रहा है तो यह सब चीज अभी आ रहा है। बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले। यह तो आज तक किसी को, आजादी के इतने वर्ष बाद तक यह किसी को जानकारी नहीं थी कि यहाँ से एक रैयत जो थे, जो जमीन के मालिक थे, जो भू स्वामी थे, जो लैंड ओनर थे, वह छोड़ के पाकिस्तान चले गए आजादी के 70-75 साल के बाद में, और वहां पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। तो यह बात अब जब सर्वे हो रही है तब जाकर के यह बात खुल करके छन करके लोगों के नजर में आई, और तब प्रशासन के भी नजर में आई कि आप देखिए किसी भी जमीन अगर यदि रैयत नहीं है, दूसरे देश दूसरे कंट्री चला गया छोड़ कर के, कोई नहीं है उसका वारिस, आगे नाथ न पीछे पगह कोई नहीं है, तब उसका वह जमीन जो है सो सरकार उसको हैंडओवर टेकओवर करती है। अच्छा, वैसी जमीनें सरकार की हो जाती है। बिल्कुल, वह संपत्ति जो है सो सरकार की हो जाएगी, उसमें आपको हमको डिक्लेरेशन और किसी करने के, क्योंकि आदमी जो मेन आदमी है वह तो दूसरे देश चला गया, कोई देखने वाला नहीं है। हम तो एक ही लाइन कहे ना, आगे नाथ न पीछे पगह, उस जमीन पर कोई नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में वह सरकार की जमीन हो गई। तो वह अब जो है सो जब एडमिनिस्ट्रेशन को अब जब मालूम चला है, तो अब जो है सो कि वहां पर कोई अवैध रूप से जमीन में कब्जा करके रह रहा है, अब वो बड़ी जमीन है। तो यह जो है सो आप समझ, सनसनीखेज खुलासा। हाँ, अब देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, स्थानीय प्रशासन भोजपुर जिला प्रशासन ने उस पर वो जो से उस पर अब जिसे उसमें शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 है, इसके तहत यदि कार्रवाई की है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है रवि जी के शत्रु संपत्ति अधिनियम कहता क्या है, क्या कुछ होता है? हाँ, वही वही कह रहे हैं, शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के अनुसार यदि कोई देश छोड़कर जाता है तो उसकी जमीन या जो भी चीज है वह जो है सो भारत सरकार की, केंद्र सरकार की हो जाती है। और यह तो एक विभाजन से पहले का यह मामला है। तो यह तो अब देखिए एक चीज तो और समझ लेने की बात है, वहां पर भोजपुर में ऐसे कई सारे परिवार हैं जो पाकिस्तान गए हैं छोड़ करके। तो वैसी परिस्थिति में अब देखिए कि यानी कि और भी खुलासे होंगे और भी ऐसी कई जमीन निकल करके आएगी। अभी कई सरकार की जमीन है जिस पर कब्जा कर लिया। अब देखिए ये निश्चित रूप से ये कब्जा कर लिया, और देखिए ये क्या था, ये विभाजन से पहले यह शाहबाद क्षेत्र हुआ करता था। तो ये जो जिसकी बात हम लोग भोजपुर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कई लोग पाकिस्तान चले गए। तो वह अब जो इंक्वायर हो रहा है, अब जो भूमि सर्वे की बात हो रही है, अब जो खासरा खेसरा खतिहान जो देखा जा रहा है, तो उसमें आपको तब पता चल रहा है कि कौन झोल झाल कर रहा है, कौन लोग रह रहा है। यानी कि अब बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जमीन सर्वे के बीच कई बड़ी बड़ी गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं, लोग अपना खाता खेस रहा ही उलट डाल रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से लगभग 25,000 रैयत हैं। जी, 25,000 रैयतों ने गलत खाता और खेसरा नंबर डाला है, डाल दिया है। अच्छा, और यह जो है फिर क्या होगा, फिर उनकी जमीन कहीं इधर से उधर ना हो जाए? नहीं, देखिए उसमें ऐसा है कि उसमें गलत जो खाता और खेसरा नंबर डाला है 25,000 के आसपास जो देखने में आ रहा है, तो यह पटना जिले की बात हम कर रहे हैं, यह पटना जिले में 25,000 इधर उधर कर दिया जो खाता और खेसरा नंबर। तो लेकिन उसमें एक बात सही है कि अन्य जो चीज उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स था वह सही है। तो इस लिहाज से अब जो सरकार है, जो राजस्व भूमि सुधार विभाग है, जो अब उसी आधार पर उनका सब कुछ कर लेगी। तो ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं है। आपका खाता और खेसरा नंबर आपने गलत भर दिया है 25,000 लोगों ने, रैयतों ने, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। और ने जो आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सही है तो उस पर आपको हो जाएगा, उस पर काम आपका हो जाएगा। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ वक्त पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया था, किस बात का रिपोर्ट कार्ड जारी? देखिए वह डीएम और समाहर्ताओं को यह जारी किया था कि अपने यहाँ किस तरीके से जो राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो लैंड सर्वे का काम चल रहा है उसको बेहतर परफॉर्म कराइए। तो उसमें उन्होंने रैंकिंग जारी किया है। अच्छा। तो उस रैंकिंग के अनुसार जो बांका जिला है वह टॉप पर है। अच्छा, यानी कि बांका जिला के डीएम साहब ने बेहतर काम किया, वह टॉप पर है, बेहतरीन काम किया है। लेकिन उसी लिहाज से अगर आप क्रमवार आइएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 में पटना जिला है।
यानी कि लास्ट हो गया अपना पटना। हाँ पटना जी पांचवें स्थान पर आ गया। हाँ, हाँ। तो ये लेकिन तो बांका को, ठीक है, बांका जिला एडमिनिस्ट्रेशन को क्रेडिट है कि उसने बेहतर काम किया है। और यह डेटा हम और आप नहीं बोल रहे हैं, यह लैंड राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव हैं जयसिंह, उनकी तरफ से ये सब डेटा आया है। उनकी तरफ से ये तमाम डेटा आए हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे रवि जी, आपको क्या कुछ लगता है, जमीन सर्वे का काम तो चल रहा है और इसी बीच आपको मालूम है कि अब यात्राओं का दौर भी शुरू हो गया है, माले भी निकल रहा है यात्रा पर जमीन सर्वे के खिलाफ, स्मार्ट मीटर के खिलाफ, क्या लगता है क्या कुछ होगा, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए दीपांकर भट्टाचार्य भाकपा माले के जो महासचिव हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वह निकल रहे हैं और वह जब उनकी यात्रा चलेगी, इसी के खिलाफ में यात्रा है जमीन सर्वे और स्मार्ट मीटर, तो वह कह रहे हैं कि जब तक बासगित पर्चा जब तक उनको नहीं मिले गरीब को, तब तक इसका कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो यह सब और स्मार्ट मीटर पर तो सवाल खड़ा कर ही रहा। और तो सरकार पर दबाव बनेगा निश्चित रूप से। देखिए जमीन सर्वे और जमीन सर्वे पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा है कि वो नाबूत में आखिरी कील, आखिरी कील। तो अब देखने वाली बात है कि सरकार कहां तक, जबकि देखिए दिलीप जायसवाल जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, आज भी वह अपने दफ्तर में, माने ऑफिशियल दफ्तर में, सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो पुराना सचिवालय में उनका जो चैम्बर है, उसमें वह रैयतों से वह मिलते हुए नजर आए, वन टू वन सबसे मिल रहे हैं और सबकी समस्या को सुन रहे हैं और तत्काल फोन अपने से कर रहे हैं, मोबाइल से या लैंडलाइन से फोन से बात करके उनके समाधान को, और कई सारे लोग यहाँ पर उनसे मिलने आ जाए। क्या लगता है जमीन सर्वे रुकेगा? देखिए जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, देखिए विपक्ष का काम है दबाव बनाना, सरकार का काम है अपना बेहतर गुड परफॉर्म करना। तो ये सरकार परफॉर्म कर रही है और अपोजिशन अपना जो है सो अपना उस पर जो निशाना बना रहा है, साध रहा है। क्या कहता है आपका तजुर्बा, आगे क्या कुछ होगा इसको लेकर? नहीं सरकार तो अडिग है इस पर, अडिग है सरकार स्मार्ट मीटर पर भी और राजस्व भूमि सुधार विभाग ना टलेगा सर्वे ना रुकेगा सर्वे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है, रवि उपाध्याय जी ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।